गणपति बप्पा मोरया। हेलो गाइस, नमस्कार। हेलो 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 मराठीत बोल भाई, काय मराठीत आहे भाई। हेलो गाइस नमस्कार, मग हेलो गाइस काय असतं नमस्कार मित्रांनो, सुप्रभात। आज आहे 6 तारीख 6 मे रविवार। आम्ही चाललोय आता पालघर आणि वज्रेश्वरीचं दर्शन घ्यायला। तर 1 मिनिट थांबा जरा, ब्रेक। तर आम्ही निघालो 7 वाजता। विरीत एवढा आम्हाला लेट गेला ना, लेट आला तो। तर आम्ही आता वाईट नाही आहे, वाईट आहे पण जरा अजून चांगलं दिसलं ना असं। अच्छा, तर आणि मग काय आता आम्ही निघालेलो तर आम्ही हायवेला थांबलो। थांबू कुठे? थांबू भूक लागली आम्हाला, टपरी इकडे टपरी इकडे आम्ही जरा वडापाव वगैरे खातो, गरम गरम खातो बघूया आता उठाले का 14 वडापाव खातोय, पोट भरत नाही। बकासूर एक पहिला बाईट मारा अभी, बाईट 14 वडापाव का पहिला पहिला बाईट क्या कौन था पूरा बोल रहा है। 4 खाया तीसरा चालू हो गया। हम लोग पहुंच चुके हैं। लगे बुधवारी लेट निकाला हुआ था। आता बस अजून काय लेट होऊन झालं असतं अजून तो। आता आम्ही जस्ट पोहोचलो आहे। आमची गाडीची एंट्री वगैरे झाली, त्या काकांनी करून घेतली आहे, सगळे चालत आहेत। तर बघूया आता एंट्री पुढून येते मंदिराकडनं, काय चार्जेस वगैरे आहेत का बघूया। विनीत बोला चार्जेस खूप आहेत त्याचे वरतनं असं बोला। चल ना, देखेंगे ना, अभी एंट्री के पे पूछेंगे ना। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे। आता मी पहिला मंदिरात प्रवेश केलेला आणि पहिल्या मंदिरात जे आम्हाला एक्सप्लेनेशन केलं आहे त्यांनी, ते म्हणजे एकदम आउट ऑफ दी वर्ल्ड। काय बोलतो आम्ही एक्सप्लेन करून फायदाच नाही, तुम्ही इकडे या असं तेच बोलतो। इथे आला तरच पाहिजे फायदा, हा असं वाटतंय। खतरनाक यार, खतरनाक। पर कुछ बोलेगा तो मैं कैसे दूंगा, और वो बोलना ही नहीं चाहता है, इसलिए भगवान देते ही नहीं उसको कुछ। और अपने आंखों से इसका अभिषेक करे तो बहुत सुंदर। ये सब श्रीमद भागवत की कथा है। दिस इज ऑल 18,000 संस्कृत वर्ड्स कोडेड इन द वॉल पिक्चर। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। कैसा लग रहा है पांडे? गिरेगा 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 नहीं गिरेगा ब्रो, क्या नाही गिरेगा। सो आता सायलाने मी आता आलो आहे गाडीच्या इकडे. थोडी शॉपिंग केलेली आम्ही, अगरबत्ती वगैरे धूप वगैरे होते तिकडे, त्यांचे शॉप्स वगैरे आहेत। तर थोडं सामान हातात घेऊन कसं फिरणार सगळ्या सगळीकडे आता, तो म्हणून आता आम्ही इकडे आलेलो गाडीकडे. तर साई सामान ठेवतो बिचारा, चावी पण तोच काढतो, सामान पण तोच पकडतो. तर बिचारा तर नाही तो, पण ठीक आहे. आणि तुम्ही इकडे खरंच या, म्हणजे असं आम्ही असं एक्सप्लेन करून तुम्हाला काय वाटणार नाही, काय इथे हो वाटणार नाही. पण जे ते सांगतात ना अलग अलग स्टोरीज, त्यांनी कसं मंदिर का बनवलं आहे कुठून, म्हणजे त्यांना हा म्हणजे मंदिर बनवण्यापासून ते मंदिर मंदिरात आपण काय काय फोन ठेवला, हा अशी चावी नाही ठेवलीस, चावी ठेवून पण काय फायदा नाही का, घरी एक चावी आहे तरी पण लॉक केलं असतं असं. ओके कंटिन्यू हा का. तर तुम्ही इकडे खरंच या, असं आम्ही एक्सप्लेन करून काहीच फायदा नाही, म्हणजे खरंच. काय बोलतो साहिल, आम्ही अजून एकच मंदिर केलंय तरी आम्हाला एवढा खुश वाटतोय आम्ही आता. अजून खूप अजून आता साडे अकराचा आमचा टूर आहे, म्हणजे टूर टायमिंग आहे. ते लोक आम्हाला सगळं एक्सप्लेन वगैरे करणार. सो आम्हाला एक्झॅक्टली माहिती नाही की टूर मध्ये नक्की काय काय असणार आहे. तर आम्ही रेकॉर्ड करेन की नाही माहित नाही, की मी त्यांच्या वाईसमध्ये हेवन हे पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण की आम्ही ऐकत बसलो की आम्ही विसरणार. पांडेच्या ब्लॉग मध्ये सगळं ऐकायला भेटणार, ते सगळं पांडे स्टोरीज वगैरे. तर बघूया. मेरी बांसुरी का गीत हो, सेकंड मंदिर होती आमच्या टूरच्या 11:30 टायमिंग आहे. आम्ही दोन मंदिर करून घ्यायची तसं सांगितलं यांनी. ते बोल रहा ना, परमात्मा का स्पर्श हो. हमें और मछलियाँ उसके अंदर उसको कुछ खिलानी है. यहाँ से दर्शन करते जाएंगे हम, और पेड़ पौधे उसके पत्ते फूल फल आम आ गया. आम तोड़ना नहीं किसी ने आम तोड़ना नहीं. नीचे गिरा तो ले सकते ऊपर ठीक है. और यहाँ जिला की झाकिया बने मूर्ति उसका हाथ में ना, ठीक है. यहाँ से जाएंगे दर्शन के लिए. यहाँ मथुरा कृष्ण के जन्म स्थान, विश्राम घाट, भूतेश्वर महादेव, तीनों का दर्शन करके जाएंगे हम. एक बार दरवाजे परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो. परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो. तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर. तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो. मेरी भावना की तुम राधे जीत हो. थोडी इन्फॉर्मेशन देऊन तुला सांगतात. अशी 5-6 मंदिरांची नावं घेतली. मेन मंदिर आहेत ती कृष्ण भगवानची, ते सगळे दाखवणार आहेत. ते सगळं मी ते इन्फॉर्मेशन काही शेअर नाही करणार मी व्हिडिओमध्ये, कारण का ते सगळं तुम्ही लोक इकडे कोण येणार नाही. इथे येणारच वरती ते काय बोलतो विनीत, तुम्ही व्हिडिओ बघा आणि या. आणि जरी मी व्हिडिओ काढली आणि तुम्ही ऐकलात तर तुम्ही ते वाईब्स मॅच नाही करू शकणार भाई. कभी सुना नहीं था ना, राधा कृष्ण शादी हो गया नहीं ना, सुना कभी? हाँ, भांडीरवन में प्रलम्बास को बलराम जी मारते. प्रलम्बास और कृष्ण के मित्र बन के आए थे, और कृष्ण 2 टीम बनाते हैं, एक में कृष्ण एक में बलराम. और कृष्ण क्या करते, प्रलम्बास को पहचानते, वो मित्र बन गए और कहते मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त साथ में लेते, और आज से मेरा ये लीडर बन जाएगा, आज मेरी टीम का कैप्टन ये होगा. तो प्रलम्बास को कैप्टन बनाते हैं, और वो दूसरी टीम का कैप्टन कौन है, बलराम जी. और हम उनका खेल खेल में रहते हैं, कुश्ती का खेल रहता है. तो बलराम जी उसको गिराते हैं और उनकी पार्टी जीत जाती है. और जो हारने वाले रहते हैं वो जीतने वाले को कंधे पे लेके घूमना पड़ता है ना. ये खेल खेले आपको भी बचपन में, हारने वाले उसको कंधे पे लेके घूमेगा. तो अभी इसको बलराम जी को कंधे पे घूमने निकलते, तो उनका जो स्थान रहते घूमते 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 वो प्रलम्बास क्या करते हैं, भांडीरवन के अंदर घुस जाते हैं. अंदर बलराम जी कहते आप कहाँ जा रहे हैं, आप रास्ता कुछ भूल गए क्या? तो नहीं भुलाने में मुझे कंस ने भेजा है आप दोनों को मारने के लिए. पहले आपको मारूंगा, बाद में आपके भाई कृष्ण को मार दूंगा. तो बलराम जी को कृष्ण के मारने की बात आती तो उनको गुस्साते, कृष्ण को मारने का प्रयास करते. पहले तू कैसे पहुंचेगा कंस के पास. और बलराम जी अपना वजन बढ़ाते हैं, तो उसको दौड़ना नहीं आता है. तो बलराम जी को नहीं, सबसे बलशाली ब्रह्मांड जैसे वजन बढ़ाने कुछ नहीं होता उसका. और वो असली रूप धारण करते हैं, तो भी उसको दौड़ना नहीं आता, नीचे गिर जाते हैं. एक मुष्टि का प्रहार से उसको खत्म करते हैं. बताओ जी भैया की जय. तो ये यहाँ से प्रलम्बा को मार देते हैं. तो प्रलम्बासुर को नहीं, प्रलोभन का प्रतीक है, वो मित्र बन के आते हैं और हमें लूट कर लेके जाते. ऐसे कौन कौन है अभी, बहुत चले ना प्रलम्बासुर को, बहुत चले. वो आते हैं अलग अलग स्कीम लेके, इतने मेंबर बनाओ, हम आपको मित्र बन के आएंगे, अब आपको सबको हैदराबाद सबको घुमाएंगे है क्या, और सबको. ऐसा हो रहा है कभी. ये सब फंसाने वाले लोग हैं, ये फंसाने वाले लोग हैं प्रलम्बासुर. मित्र बन के आते हैं लुट के तो जीवन में बलराम जी को ने आद्य गुरु, जीवन में गुरु करेंगे, गुरु के मार्गदर्शक करेंगे तो आपको कोई फंसाएगा नहीं। तो फंसाने वाले ऐसे रहते हैं, तो इसीलिए फंसना नहीं, हमेशा गुरु का मार्गदर्शन करना है, लेना है। कुछ नहीं तो हमारे माता पिता गुरु हैं, माता पिता कभी गलत सलाह देते कभी? हाँ, वो जाके बते कोई सट्टा खेलो, लॉटरी का टिकट निकालो, कोई कहते मेहनत कमाओ। इसीलिए माता पिता से कोई मार्गदर्शन करे तो भी जीवन में गुरु चाहिए। तो अपने माता पिता भी गुरु है, उनसे गाइड ले लो, आप कभी फंसेंगे नहीं। तो दुनिया फंसाने वाले बहुत है, गुरु की आवश्यकता। और यहाँ ये वंशी वाट एवट उससे लगा है, इस स्थान पर राधा कृष्ण का भांडीरवन में बचपन में शादी हो गई। तो राधा कृष्ण दोनों खेल रहे थे उस समय, नंद बाबा गया देखने थोड़ी दूर जाते और राधा कृष्ण दोनों युगल के रूप में आते और क्या करते, ब्रह्मा जाकर दोनों की शादी कराते और नारद मुनि राधा का कन्यादान करते। तो ये गांधर्व विवाह हो गया, गुप्त रूप में यह विवाह होता है। तो पहले से राधा कृष्ण का शादी इधर हो गया था, आए समझ में? तो उसका इस स्थान में आप कभी जाएंगे भांडीरवन में, वहाँ 3 बड़े बड़े वट वृक्ष है, 2 वट वृक्ष है, 2 एक साथ दोनों को मिले और तीसरा वट वृक्ष ब्रह्मा जी उनका शादी कर रहे हैं। भांडीरवन में जाएंगे आपको ये दर्शन मिलेगा। हाँ, राधे राधे राधे, तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया माँ कंचुरैया, कृष्ण कन्हैया माँ कंचुरैया, कृष्ण कन्हैया माँ कंचुरैया, कृष्ण कन्हैया गिरिवर उठैया, कृष्ण कन्हैया गिरिवर उठैया, कृष्ण कन्हैया गिरिवर उठैया, कृष्ण कन्हैया। मधुमद श्याम सखा की, बाल को जाके खिलाते कृष्ण, बहुत कष्ट थे। और बाद में शाम तक तो उनके समय रुकते हैं और कहते हैं अभी आप अपने अपने घर जाइए। ओ हम कैसे जाएंगे, हमारे पति को बिना पूछ कर आ गया, अभी जाएंगे तो हमारा स्वीकार करेंगे नहीं। तो कृष्ण कहते चिंता मत करो, आपके पति आपको जरूर स्वीकार। पानी के अंदर उतरना नहीं, पैर नहीं करना है, दोनों को लेगा थोड़ा जल लेना है, छोटे बच्चों के साथ में लेना है। बैल को मार दिया, तब अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, हमारे बीच में आएंगे, आपके स्पर्श से हम भी अपवित्र हो जाएंगे, हमारे दूर रहना। कृष्ण कहते आपको कुछ मालूम नहीं, वो कोई बैल नहीं था, वो राक्षस था, अरिष्टासुर। तो राधा रानी कहते अरे एक बार इंद्र ने में वृत्रासुर को मारा था, तो उनको शुद्ध होने के लिए सारे तीर्थ में नहाना पड़ा, तो आप भी जाओ सारे तीर्थ में नहा कर आइए। तो कृष्णा को अभी इतना समय नहीं, कृष्ण अपनी एड़ी से अपने पैर से जमीन पर दबाते और बनाते कुंड श्याम कुंड, सारे तीर्थों का आह्वान करके बुलाते हैं। और यहाँ सारे तीर्थ आते, सारे नदियां, सारे समुद्र, सारे तीर्थ आकर पानी के रूप में वास करते, कृष्ण इसमें नहाते। नहाने के बाद कृष्ण कहते हैं मैं तो शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन आप सबने दुष्ट अरिष्टासुर का पक्ष लिया, बाजू लिया, तो आप भी अपवित्र हो गए, अभी इसमें नहा लो। तो राधा रानी कहते हैं आपकी कुंड में हम नहीं नहाएंगे, इसमें आपके पाप धोले, हमारा कुंड अलग बनाएंगे और जिस अरिष्टासुर का पक्ष ले उसका ही आधार लेंगे। तो श्याम कुंड के पश्चिम दिशा के साइड में जहाँ अरिष्टासुर से परे से गड्ढा पड़ा था, उसी गड्ढे को हाथ और कंगन से राधा रानी और उनकी सखिया कुंड बनाती। 1 घंटे के अंदर कुंड बनाती। इतने कष्ट से बनाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। कृष्ण कहते मेरे कुंड से पानी ले लो, राधा रानी कहते आपसे कुंड से हम पानी नहीं लेंगे, हम मानसी गंगा से लेके आएंगे। तो ये गंगा मैया दिख रहा है। वो मन से कृष्ण ने गंगा को बुलाया था एक बार वत्सासुर को मारने के बाद, यशोदा मैया यमुना मैया के कहने से उनको एक बुलाया था। तो उसका पानी लाने के लिए कतार लगाते नहीं, सारे गोपियां थकते। कृष्ण ने सारे तीर्थों को कहते आप राधारण को मदद कीजिए। तो सारे तीर्थ राधारण को प्रणाम करते, प्रार्थना करते, राधा ने आपका महिमा, ब्रह्मा जी शिव जी कोई नहीं जानते, आपको कौन जानते, खाली कृष्ण। और आपके ऊपर एक पसीने का बूंद भी कृष्ण को सहने हो रहा। ये बात सुनकर राधा रानी बहुत खुश होती और खुशी से कहते आप सभी की क्या इच्छा है। सारे तीर्थ कहते राधा ने आपकी सेवा मिलेगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सेवा के लिए राधा ने हाँ कहते। जैसे हाँ कहते सारे तीर्थ तुरंत राधा कुंड भर गए थे। कृष्ण इसका महिमा बता रहे, यह जो राधा कुंड श्याम कुंड से श्रेष्ठ है, जितने मुझे राधा ने प्रिय उतना उनका मुझे कुंड भी प्रिय है, इसलिए हर दिन मैं राधा कुंड में नहाऊंगा। और राधा ने कहते कृष्ण ने हजारों अरिष्टासुर मार दिया तो उसको पाप लगता, उसके ऊपर कोई शक नहीं करना, इसलिए हर दिन में श्याम कुंड में नहाऊंगी। तो राधा रानी कहाँ नहाते हैं? श्याम कुंड। कृष्ण कहाँ नहाते हैं? इसलिए इसके अंदर पैर नहीं जाते। तो शास्त्र में बताया विश्व में सबसे पवित्र स्थान वृंदावन, वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान है गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान है श्याम कुंड। गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय, श्याम कुंड राधा कुंड की जय। तो उसके साइड में एक अनिवर स्थान है जिस स्थान पर वज्रेश्वरी गोवर्धन महाराज को पूजा किया था, उस साइड में वहाँ इंद्र ने अभिषेक किया, वो गोविंद कुंड है। उसके आगे अपसरा कुंड, नवल कुंड है और पीछे का लोटावा है। ये सबका परिक्रमा में दर्शन हो जाएगा। हाँ, और यह मानसी गंगा है, इसका भी दर्शन होता है। यहाँ से हम जाएंगे परिक्रमा करते करते यहाँ आगे, यहाँ से हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारे लेट जाते हैं, कृष्ण से कहते कृष्ण आपके बिना नहीं जी सकते। तो बहुत विलाप करते हैं, उनके नैनों से अश्रु की धारा चिंगारे निकलती, सारी जमीन बिक जाती। कृष्ण कहते मैं वापस आऊंगा, तो कृष्ण आते क्या वापस नहीं आते। उस दिन से गोपिया ने किसने अपने घर में खाना बनाया नहीं, कोई गैया घास नहीं खाती, कोई बछड़ा दूध नहीं पीते, सारा कृष्ण के याद में सारा जीवन बिताते। यही गोपियों का प्रेम। एक बार यहाँ नारद मुनि आए थे और आते तो गोपियाँ नारद मुनि से पूछते हैं नारद मुनि आप शायद द्वारका गए होंगे, तो कृष्ण का क्या हाल चल रहा है, उनकी कुशाल मंगल हमें सुना दो। नारद मुनि कहते कृष्ण की तबीयत बराबर नहीं, उनके सर दर्द हो रहा है। तो गोपिया कहती उनकी इतनी सारी रानियां क्या कर रहे हैं, तुमने सारा इलाज किया, उनके सर दर्द कम नहीं हो रहा है, अरे कुछ तो इलाज होगा नारद मुनि। हाँ, कृष्ण बोले कोई मेरे भक्त की चरणरज मेरे मस्तक पर लगाएंगे तो मेरा सर दर्द कम हो सकता है। तो यहाँ मैं सारे तीन लोक में घूम गया, कोई भी देने के लिए तैयार, अंत में आपके पास आए, शायद आप दे ही सकते क्या? क्यों नहीं देंगे। उतरना अपना पल्लू डालकर अपने पैर से मिट्टी झटक झटक कर देते और कहते जल्दी लेके जाओ। तो नारद मुनि कहते ये मिट्टी कृष्ण के सर को लगाएंगे लेकिन आपको नरक जाना पड़ेगा। तो गोपिया कहते कृष्ण का एक क्षण के लिए भी सरदर्द कम हो जाएगा तो हम अनंत काल के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। ये गोपिया का प्रेम। तो कोई किसने दिया क्या? उनकी रानियां भक्त थी, ब्रह्मा जी शिव जी सारे देव देवता ऋषि मुनिगण, नारद मुनि भी तो भक्त थे। तो कोई लगा दे नहीं, कोई इतना रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के लिए नर्क भी जाने के लिए तैयार है। ये उनका पद। इसलिए सारे आचार्यगण गोपियों को प्रार्थना करते गोपीर भर्तु पद को मैं दास दासन, गोपी की भर्तु को ने भगवान कृष्ण उनके दासन के दासन बन जाएंगे तो मैं और जीवन का सफल हो जाएगा। कृष्ण बलराम भगवान की जय, धाम की जय। अभी हम जाएंगे अंतिम दर्शन हमारे गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन मूल शिला है, ओरिजिनल शिला है गोवर्धन का। और राधा कुंड श्याम कुंड उसके पानी के अंदर उतरना है। हाँ? और उतरना है मतलब सॉरी, पानी का उतरना नहीं है उसका खाली जल अपने सर पर लाना है, जूता बाहर निकालना है, थोड़ा जल लाना है। तो उसके कहानी ऐसे कि मैं उधर बताऊंगा। हाँ कुछ नहीं हुआ, क्या होगा तेरे तेरे होते क्या होगा जो तू करता है वही होगा। क्या हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधे। तो दादा आला आमचं दर्शन वगैरे, आता आम्ही चाललोय जेवायला भोजनालयामध्ये। पांडे का ऐकत नाही, बोलतो कुठे नाही जायचं, घरी जायचं, कसली आठवण येते काय कोण बोलत त्याला। मुस्कान मुस्कान बुला रही है उसको, मुस्कान मुरला याद कर का बोल भाई काय बाहेर जायचं इकडे जायचं ते जो है ना ऑब्वियसली विषय ऐसे आयटनचे पैसे भरले आहे। पाणी गाव का पाणी मतली मावशी आम्हाला ज्ञान होतं, आता पाणी प्यायला चाललाय तो तेच पाणी। आता व्हिडिओ माझी बरोबर येते की नाही माहित नाही, की माझा असं हेड कट होत आहे की काय होत आहे। चल ना ठीक आहे ना, पिऊ एवढं काही नाही होतं, एवढं हेवी नाही होगी। चला मग लोकांना पाण्याची नखरे होते लोकांना, मला चालतो साला जोगेश्वरीवाला। आम्ही जो सांडगुरू झाले बरोबरच, त्यांचा ना प्रॉब्लेम खूप आहे, त्यांचे नखरे वेगळे आहेत। समोर ना काही लोक सगळे चालले जातात, चल ना तिकडे जाऊन बघूया ना, असेल तर ठीक आहे ना, आता काय परत मागे अजून काय। आता इकडे आम्ही आलो आहे भोजनालयासाठी। साहिल जरा जास्त जरा वाचतो, त्याला आता डोस झाला पाहिजे, समजलं काय। हा रे खोकला पण झाला कसा, हां इंजेक्शन देईन ना, टाइमपास नुसते। आम्ही शेवट आहोत माहिती आहे का, पांडे एकदम थकला, जीवाला एकदम कंटाळला आहे तो। आम्ही शेवट आहोत, आम्ही शेवट आहोत, द एंड इज द बिगिनिंग, द एंड इज द बिगिनिंग। आम्ही शेवट आहोत पण आम्ही सर्वांच्या पुढे आहोत। तर आम्ही आता निघालेलो तिकडून जेवण वगैरे, आणि आम्ही पोहोचलोय ब्लॉग करायला, विसरलेलो सगळे। पांडे विनीत आम्ही आणि साहिल वगैरे सगळे झोपलेले, मी एकटा जागा होतो तर डिस्टर्ब नाही व्हायला पाहिजे मी ब्लॉग नाही। साहिल पण झोपलेला, गाडी झोपलेला, साहिल झोपला, तू गाडी चालू होता। हा मागे बसून हा। तर पोहोचलो आता बघूया आर्यनला वगैरे बोलवतो जरा, एमसी स्टँडला भेटतो जरा, आणि जरा एमसी स्टँड दाखवतो, जरा वायबिंग करतो त्याच्याबरोबर।